फाइनली दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और काफी कमाल की वीडियो में। तो भाई मैंने इससे पहले काफी सारी वीडियोस बनाई हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है वो चीजें बताई हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन यार आज के टाइम पर ना काफी सारे दोस्त स्ट्रैटेजीज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि भाई स्ट्रैटेजीज होती है ना, हर एक ट्रेड की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक पर्सनल सेटअप होता है जिसके बेसिस पर वो अपनी ट्रेड्स लेता है और भाई प्रॉफिट भी कमाता है। प्रॉफिट इसलिए वो कमा पाता है क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजीज बनाता है, जो अपने सेटअप्स हैं वो बनाता है, वो बैक टेस्टेड होते हैं और वो लंबे समय तक बैक टेस्ट करने के बाद अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। और यहाँ पर दोस्तों आज भी मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सेटअप बताने वाला हूँ, यानी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसमें अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भाई आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से ही, आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, कोई भी सेटअप ले लो, या कितने ही बड़े ट्रेडर से क्यों ना पूछ लो, हर एक स्ट्रैटेजी भाई 100% वर्क नहीं करती है। अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम आप 7 से 8 ट्रेड में पॉजिटिव, अगर या पॉजिटिव रिजल्ट आता है या प्रॉफिट कहूं मैं मार लेते हो तो भाई वो आपकी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी हो जाती है, आप उसको यूज कर सकते हो। और ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं आज जो कि भाई 10 में से 7 या 8 आपको प्रॉफिट लेकर देगी, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो वर्क करेगी। किन कंडीशंस में वो वर्क करेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, कौन सी वो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के लिए या अर्निंग से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आप हमारी डिस्प्ले पर भी ये देख सकते हो, कुछ इंडिकेटर्स हैं मैंने यहां पर प्लेस करके रखे हैं, यही वो स्ट्रैटेजी है। अभी मैं इसको डिटेल में आपको बताने वाला हूं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए आप हमारी डिस्प्ले पर आ जाइए, स्क्रीन पर आ जाइए तो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नेक्स्ट यहां पर आप हमारे डिस्प्ले पर आ चुके हैं और यहां पर आपको कुछ इंडिकेटर्स हैं वो लगे हुए देख लेंगे। एक को तो आप पहचान गए होंगे, MACD है, और यहां पर हमने कोई ज्यादा ऐसी सेटिंग वगैरह नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ आपको इनमें सेटिंग करनी है और कौन से वो इंडिकेटर है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इस इंडिकेटर को प्लेस करने से पहले बताने से पहले, ये इंडिकेटर है साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। इस इंडिकेटर को आप तभी यूज कर सकते हो जब मार्केट अप ट्रेंड हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, यानी भाई डाउन ट्रेंड हो, तभी आप यूज करना। अगर आप साइड वे में इसको बात करोगे या भाई साइडवेज में मार्केट चल रहा है, अगर आप उसको उसमें इसको यूज करोगे तो मैक्सिमम टाइम पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो तभी आप इस इंडिकेटर को यूज करना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इंडिकेटर है। यहां पर आप देख सकते हो फुल सूट है, एक तो ये इंडिकेटर है और दूसरा है लक्स एल्गो की तरफ नदाराया वेस्टर्न इनवेलोप है, और ये तीसरा है यहां पर MACD। तो इन तीनों को ही आपको यहाँ पर पुट कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी एक्यूरेसी आपको दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने सेटअप यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैंने इसमें सुबह सुबह 3 ट्रेड ली थी इस सेटअप की वजह से, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो सुबह सुबह यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर इस सेटअप की वजह से हमें यहाँ पर ग्रीन लाइन देखने मिली। एक चीज याद रखना, जब ये ग्रीन लाइन हो ये कैंडल्स के नीचे होगी तो आपको बाइंग की तरफ जाना है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये लाल लाइन है कैंडल्स के ऊपर है तो आपको सेलिंग की तरफ जाना है। आपको कैसे ये सेटअप करना है, आपको तीनों ही चीजों का यूज करना है MACD का। तो यहाँ पर यहाँ से मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ आपको, जिससे कि आपको मैं काफी सारी ट्रेड बता सकूँ कि हाँ भाई यहाँ पर किस प्रकार से इसने काम किया है। तो एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दो, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम चल पड़ते हैं, यहाँ पर अभी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का जो चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप निफ्टी बैंक निफ्टी और क्रिप्टो में भी आप इसको यूज कर सकते हो, काफी अच्छी तरह से चार्ट जो इंडिकेटर है यूज करते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है दोनों तीनों के तीनों इंडिकेटर। आपको इनको कहीं पर भी कोई परचेज नहीं करना है कि भाई आपको ये परचेज करना है या वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखते हो, और यहाँ पर चलिए मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे ना एक ऑरेंज लाइन देखने को मिलेगी MACD में, और आपको एक ब्लू लाइन देखने को मिलेगी। जैसे ही ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर आ जाती है और यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन लाइन आ चुकी है, तो वैसे ही आप अपनी बाइंग पोजीशन बनाओगे। और ये बाइंग पोजीशन आप दोस्तों अपने स्टॉप लॉस से भी बना सकते हो। आपने अगर दोस्तों पिवट पॉइंट्स आपने देखा होगा, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, अगर आप वो करते हो तो आप अपने नेक्स्ट टारगेट तक यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको जो है यहाँ पर इसकी MACD की ब्लू और ऑरेंज लाइन को
देखते रहना है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर आपको लाल लाल पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ तक आप अपनी जो पोजीशन है उसको बनाए रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बाइंग की बात करूँ तो इसने 44,610 पर हमें हमारी बाइंग कराई है, और यहाँ पर अगर एग्जिट की बात करूँ तो यहाँ पर 44,849 पर यहाँ पर एग्जिट करवाई है। तो यहाँ पर हमें अप्रोक्स 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता है, और सच बताऊं तो भाई 200 पॉइंट का प्रॉफिट काफी अच्छा खासा हो जाता है बैंक निफ्टी में। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दिया, और अब ऑरेंज लाइन है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ऑरेंज लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी और ब्लू लाइन नीचे की तरफ, और अगर आप ऊपर की चार्ट की तरफ देखोगे यहाँ पर भी जो रेड लाइन आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको अब सेलिंग की पोजिशन बनानी है, यानी ऑप्शन में आपको पुट यहाँ पर खरीदना है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इस बड़ी कैंडल पर हमें पुट देखने को मिला है, और यहीं पर एमएससीडी ने भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पर आपको 44,653 पर पुट बाइंग करवाई है इसने, और यहाँ पर अगर मैं सेलिंग की बात करूँ 44,530 पर इसने सेलिंग कराई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अप्रोक्स 100 पॉइंट का यहाँ पर सीधा सीधा आपको प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके लिए मार्केट है कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पर अगेन हमें देखने को मिल जाता है, अगेन ऊपर की तरफ रेड लाइन है और नीचे की तरफ ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, यानी अभी ऑरेंज लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर पुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर हमें पुट का ऑप्शन देखने में मिलता है। और यहाँ पर अगर हम 44,537 पर हमने यहाँ पर पुट बाय किया, और यहाँ पर अगर मैं ग्रीन कैंडल तक यहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर इसने किया, तो 44,452 पर इसने सेलिंग किया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अप्रोक्स 100 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने मिला है। सेम चीज़ हमें आगे भी ऐसे ही देखने को मिलती है, यानी भाई आप समझ गए होंगे कि ये जो इंडिकेटर है किस प्रकार से काम करता है। आपको दो चीज़ों को मेनली फोकस में रखना है। पहली बात एमएससीडी को देखना, जब भी आप कॉलियो पुट खरीदने जाओगे ना, पहली बात देखना मार्केट साइडवेज ना हो, अप ट्रेंड या लो ट्रेंड में चल रहा है। हमारा पहला पॉइंट कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये चेकआउट कर लिया। दूसरी बात, अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो तो ब्लू लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, एमएससीडी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ब्लू लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ, और ऊपर वाला जो इंडिकेटर है ना, जो ये लक्स एल्गो वाला, यहाँ पर ये ग्रीन लाइन होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये तीनों चीजों का कंफर्मेशन मिल जाता है, आप आंख बंद कर यहाँ पर कॉल को बाय कर सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार सकते हो। सेम चीज पुट के लिए है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि भाई पुट तो डाउन ट्रेंड में ही आप खरीदोगे। दूसरी बात ऑरेंज लाइन है ना, ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और ब्लू लाइन है नीचे की तरफ होनी चाहिए, और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर रेड लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप आंख मीच कर अगेन जो है पुट बाय कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लेना, मैंने खुद जो ये बैक टेस्ट किया है, और ये देखने के बाद आप एक या दो दिन आप भी बैक टेस्ट करना और देखना कि आपको यहाँ पर कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप भाई सेटिस्फाई होते हो तो उसके बाद आप अपने सेटअप में इसको इंक्लूड कर सकते हो और अपनी यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको इन इंडिकेटर्स के अंदर क्या सेटिंग करनी है, क्योंकि एज इट इज अगर आप इनको यूज करोगे तो आपको कोई इतना कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। एमएससीडी में आपको कोई भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, सिंपली आपको मैं इनको बता देता हूं। एमएससीडी में सिंपली आपको एज इट इज रहने देना है, आपको किसी भी चीज को नहीं छेड़ना है। फास्ट लेंथ है 12 है, स्लो लेंथ है 26 है, और सिंगल स्मूथिंग लाइन है वो 9 रहने देनी है, इसको आपको एज इट इज रहने देना है। अभी आपको जो सेकंड इंडिकेटर ना लक्स एल्गो का, यहाँ पर नदाराया वेस्टर्न इनवेलोप यहाँ पर आपको देखने जाएगा, इसकी सेटिंग आपको चेंज करनी है। यहाँ पर जो सेटिंग है आपको ऐसी सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो बैंडविड्थ रहेगी वो 12 की रहेगी, और जो मल्टी लेंथ रहेगी वो आपकी 2 पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको इन दो चीज़ों को यहाँ पर चेंज करना है, बाकी चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना है, एज इट इज यहाँ पर रहने देना है। और यहाँ पर फुल सूट की बात हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और इनको भी आपको एज इट इज रहने देना है, आपको यहाँ पर इनको नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है इंडिकेटर्स हैं अपडेट होते रहते हैं, जिसके बाद उनका जो टाइम फ्रेम है, या मैं लेंथ की ईएमए की लेंथ की बात हूँ, तो वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको एज इट इज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरह से इंडिकेटर कर सकता है। अभी बात करते हैं टाइम फ्रेम पर, कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर इनको यूज करना चाहिए। मैं इसको बेसिकली 5 मिनट पर यूज करता हूँ, लेकिन जो मैंने इसको बैक टेस्ट किया था 5 मिनट और 15 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम पर ये काफी अच्छी तरह से काम करता है, तो दोनों ही टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक स्ट्रैटेजी जो कि
मैंने आपको बताई जो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छी तरह से यूज कर सकते हो और अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो। बस अगेन जाते जाते अगेन मैं कहूंगा आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, साइडवेज जब भी मार्केट चल रहा हो तब आपको इस इंडिकेटर को यूज नहीं करना है, तब आपको बेसिकली ट्रेड भी नहीं लेना है। आप भी देखोगे ज्यादातर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी कहते हैं कभी भी हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा काफी ज्यादा बार स्टॉप लॉस हिट होता है और वहां पर हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। हमेशा इस इंडिकेटर को यूज करना जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा हो तब आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। और यूज भी कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आपको पुट बाय करना हो तो सिंपली आप देखना ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के ऊपर हो एमएसीडी में, और यहां पर हमें रेड लाइन देखने को मिले जिसके नीचे सारी कैंडल हो, तो आप यहां पर पुट बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने के लिए सिंपली ऑरेंज लाइन के ऊपर आपकी ब्लू लाइन होनी चाहिए और यहां पर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ग्रीन लाइन होनी चाहिए, तो यहां पर आप जो है कॉल बाय कर सकते हो। और यहां पर टारगेट हो सकता है, आप यहां पर चाहे तो जो नदारिया की ऊपर वाली लाइन है ग्रीन लाइन उसको यहां पर टारगेट बना सकते हो, या अगर आप पुट बाय कर सकते हो जो नदारा की नीचे वाली रेड लाइन है यहां तक आप अपना जो है टारगेट सेटअप कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पर यूज कर सकते हो। अगर आपको इस सेटअप में कोई दिक्कत आती है, यूज करने में कोई दिक्कत आती है या कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत वाली वीडियो में बताया था, भाई देखो ट्रेडिंग करता हूं मैं, काफी टाइम हो चुका है, मतलब इतना लंबा टाइम नहीं लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता हूं, लेकिन भाई जो सिखाने वाली चीज है वो मुझ में थोड़ी कम है, तो मैं जितना हो सके मेरा बेस्ट देता हूं सिखाने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी कमी लगती है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको जरूर जरूर उस चीज को सोल्व करके दूंगा। अगर आपको इस इंडिकेटर में कोई भी दिक्कत आती है तो वो भी बता देना, मैं आपको जरूर हेल्प दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।